हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ AKTU लीड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि AKTU लीड काउंसलिंग जो बच्चे करवाने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इस वीडियो के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रविकांत विश्वकर्मा जी का, जिन्होंने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि जिसमें आपके AKTU के अंतर्गत कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और नॉन AKTU कॉलेज कौन कौन से हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, जो कि AKTU काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो AKTU में गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें नंबर एक कैटेगरी पर सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है IIT लखनऊ, तो सभी बच्चों का पहला प्रेफरेंस IIT लखनऊ ही रहता है। दूसरे नंबर पे KNIT और तीसरे नंबर BIT है। तो KNIT और BIT में जो जिसके लोकेशन के नज़दीक रहे वो ले सकता है। KNIT BIT में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चार नंबर पे आपका डॉक्टर अंबेडकर IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये हैंडीकैप्ड के लिए कॉलेज है स्पेशली, तो ये चार नंबर पे। और इसके बाद बहुत सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे आपका अगला है REC मतलब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बंडा। तो ये जो आपके बहुत सारे कॉलेजेज हैं, तो सभी कॉलेजों में सभी ब्रांच नहीं है। तो जो आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा तो देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे कि 2019 का कटाप किस कॉलेज का कितना गया था, किस ब्रांच का, किस कॉलेज का कितना कटाप गया हुआ था, वो आप लोग देख लेंगे तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, अगला कॉलेज आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र है, अगला राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर है। तो ये सारे कॉलेज अभी नए हैं, बहुत कोई कॉलेज 2 साल पुराना है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल पुराना है, तो अभी नए ये सब कॉलेज खुले हैं। अगला है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ है, अगला राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी है, फिर अगला आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज है, फिर अगला IIT इलाहाबाद है, आपका ये एडेड कॉलेज है। अगला आपका है FGIET मतलब फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रायबरेली है, और अगला CIPET लखनऊ है। तो ये सारे हमारे जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को ये सारे कॉलेज में नहीं मिल पाएगा कॉलेज, तो ये बहुत सारी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे है, हमने लिखा है, आप अपने लोकेशन के अनुसार भी चूज कर सकते हैं इसको, EMJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है। उसके बाद तो ये आपका अच्छा कॉलेज माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपको नॉन एगेटिव कॉलेज ले रहा होगा तो ये कॉलेज आप लोग चूज कर सकते हैं, आगरा वाला अच्छा कॉलेज है। तीसरा आपका CSJMU मतलब छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर है, अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी भदोही, तो इसमें बेसिकली टेक्सटाइल के लिए स्पेशलिस्ट ये है। अगला आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, तो लखनऊ जो है काफ़ी एक्सपेंसिव फी है, मतलब इसका फी काफ़ी ज़्यादा है और मतलब AKTU और यूनिवर्सिटी की तुलना में इसका फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगला हम बात करें, अगला कॉलेज है श्री छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ है, अगला कॉलेज आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद ये है, अगला आपका है वैग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आपके नॉन एगेटिव कॉलेज हैं। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं। तो हर एक कॉलेज में लगभग हर एक ब्रांच में 20% सीटें जो है आपके, अगर हम लोग IIT KNIT और BIT को छोड़ दें तो और बाकी कॉलेजों में 20% सीटें जो होती हैं आपके लेटरल के लिए होती है। IIT वगैरह में एक ब्रांच में 6 ही सीटें लेटरल के लिए दी जाती हैं, 12 सीटें शायद नहीं होती हैं, हमको कंफर्म नहीं है, हम किसी बच्चे से कंफर्म करके आप लोगों को बता देंगे। और बाकी सारे कॉलेजों में 20% मतलब अगर 60 सीट है, टोटल 60 सीट फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, तो 12 सीट पे सेकंड ईयर लेटरल में एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉलेज देखें तो 14, 8, 22 करीब 22 इस कॉलेज में जा रहे हैं। अगर एक कॉलेज में मान के चलिए, अगर आपका एक कॉलेज में 25 मतलब मान के चलिए 12×36 या 12×44 इस हिसाब से अगर रहते हैं, तब भी अगर हम लोग देखें 600-700 आपकी सीटें टोटल गवर्नमेंट की हो जाएंगी। तो जिन बच्चों का रैंक लगभग 500 रैंक के अंदर रहेगा, जनरल OBC वालों का, गर्ल्स कैटेगरी हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, SC ST को छोड़ रहे हैं और स्पेशल को छोड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा रैंक पे भी कॉलेज मिल जाएगा। तो 500 रैंक के अंदर अगर रहेंगे तो 500 रैंक के अंदर आपको जो है AKTU में मिलने का चांसेज रहता है, AKTU में मिलने का चांसेज रहता है। अगर 500 से 1000 रैंक के बीच में है, 500 से 1000 के बीच में है, तो नॉन एगेटिव कॉलेज जो हैं उसमें आपके एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। तो इससे आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे रहेगा, AKTU लीड 2019 का जो कटाप है उस पर रहेगा। तो इस वीडियो को और उस वीडियो को देख करके आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों।